हेलो एवरीवन, माय सेल्फ बविनी टीचर फ्रॉम अश्रमिक विद्यालय एंड टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश टॉपिक यू साउंड वर्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इंग्लिश की नोटबुक में डेट मेंशन कर देनी है। रीड द वर्ड एंड ड्रॉ द पिक्चर। सो किड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ पिक्चर। तो ये थ्री लेटर वर्ड दिए हुआ है यू साउंड वर्ड के, तो उसको सबसे पहले हम रीड करेंगे और उसके रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, वो आपको टीचर सिखाएंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, रीड करना है। नाउ रीड विथ मी, एस यू एन सन, एस यू एन सन। तो हमें सन ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया आपका सर्कल। उसके बाद ये लेफ्ट एंड राइट साइड हमें ऐसे स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर अप स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, हो गया। उसके बाद ऐसी ही लाइन हमें ऐसे क्रॉस में स्लैंटिंग में ड्रॉ कर देनी है। ओके, फिर उसके बीच में हमें ये स्मॉल स्मॉल लाइन ऐसे ड्रॉ करके पिक्चर कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये सन रेडी, और उसके बाद हम इसमें आइज ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे माउथ, ओके स्माइली। सो दिस पिक्चर कंप्लीट। विच पिक्चर इज दिस, सन। नाउ रीड विथ मी, एस यू एन सन। नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट ड्रॉ जग, जे यू जी जग, जे यू जी जग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसे शेप में बना देंगे, ओवल जैसा शेप करना है, याद रहे बच्चों, लेकिन इधर से थोड़ा हमें शार्प रखना है। उसके बाद हम ऐसे कर्व शेप में कर देंगे इसको। ओके, फिर ऐसे हैंडल। ओके, दिस पिक्चर रेडी। विच पिक्चर इज दिस, जग। विच पिक्चर इज दिस, जग। नेक्स्ट वन, जी यू एम गम, जी यू एम गम। रीड विथ मी, जी यू एम गम। ओके, फर्स्ट हम ऐसे थोड़ा स्लैंटिंग में ले जा करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, उसके बाद ऐसा थोड़ा शेप बना करके इसको क्लोज कर देना है, इधर से स्लिपिंग, इधर से स्लिपिंग, और ये बीच में हमें गैप रखना है, उसमें हम लीड ड्रॉ करेंगे, लीड। ओके, ऐसे इसमें स्टैंडिंग लाइन बना करके, हो गया कंप्लीट। उसमें क्या ड्रॉ लिखना है हमें, तो हमें इसमें लिखना है जी यू एम गम। फिर जिसकी हेल्प से हम गम लगाते हैं वो भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, इससे ब्रश। ओके, दिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, विच स्पेलिंग, एच यू टी हर्ट, एच यू टी हर्ट, एच यू टी हर्ट। फर्स्ट ड्रॉ करनी है ऐसे वन साइड पे, अनदर साइड हो गया, ये स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हमें इसे रफ लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, दिस कंप्लीट। ये थोड़ी थोड़ी हमें बाहर लेके जानी है। उसके बाद हमें इधर से स्टार्ट करके ऐसे माउंटेन कर्व, जिसने हमें पहले भी सिखा था ऐसा माउंटेन वाला, तो ऐसा माउंटेन ऊपर बना देना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, डोर ड्रॉ करेंगे। ऐसे शेप में, ओके, इधर से क्लोज कर देंगे, फिर इधर ड्रॉ करेंगे हम विंडो। क्या ड्रॉ करने वाले हैं, विंडो, खिड़की। ओके, तो ये विंडो ड्रॉ हो गई। ओके, देन ऐसे थोड़ी सी हम इसे रफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे शेप में। ओके, तो हर्ट जैसा दिखेगा। ओके, विच पिक्चर इज दिस, हर्ट, H U T, हर्ट, H U
टी हर्ट. ना नेक्स्ट वन बी यू जी बग. ओके फर्स्ट हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे. हो गया ये सर्कल. उसके बाद हम बीच में से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं. फिर वापस स्मॉल सर्कल इधर से ज्वाइन कर देंगे. लेकिन याद रहे बच्चों इधर से थोड़ा सा हमें हाफ जैसा ही रखना है, इसीलिए ऐसा ड्रॉ किया टीचर ने. फिर उसके बाद ऐसे ओवल शेप में टू आईज ड्रॉ कर देनी है, ऐसे स्लैंटिंग और कर्व बना करके इधर सर्कल कर देना है. फिर छोटा छोटा इधर सर्कल सर्कल सर्कल. ओके ड्रॉ द सर्कल. आप कैसे भी ड्रॉ इसमें कर सकते हो. उसके बाद हमें उसके लेग्स ड्रॉ करने हैं, तो ऐसे शेप में करेंगे जैसे हम कैट का जो ईयर ड्रॉ करते हैं वैसे भी कर सकते हैं ऐसे. लेकिन याद रहे थोड़ा छोटा होना चाहिए. ओके थोड़ा स्मॉल होना चाहिए. उसमें डार्क कर दीजिए पेंसिल से. फिर ये शेप में आएगा इधर नीचे. तो ये हो गया बग. विच पिक्चर इज दिस? बग. बी यू जी बग. द नेक्स्ट वन बी यू एस बस. बी यू एस बस. फर्स्ट ड्रॉ करेंगे ऐसे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है. ओके फिर ऐसे करके स्लीपिंग लाइन. फिर इधर से थोड़ा स्लैंटिंग में जा करके ये इसकी लाइन में हमें बनाना है. ओके फिर स्पेस. फिर कर्व ऐसे स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन. फिर कर्व इधर से हमें जॉइंट कर देना है. इसमें टायर ड्रॉ करेंगे. आपने बस देखे है ना बच्चा, तो इसमें ऐसे स्मॉल सर्कल भी ड्रॉ कर देंगे. ओके उसके बाद हमें इधर ऐसा छोटा सा ऐसे ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल स्लैंटिंग लाइन में. और फिर इधर से हम जो डोर आता है वो ड्रॉ करेंगे. ओके हो गया. ये है हमारा बस का डोर. इसको थोड़ा डार्क कर देंगे. फिर उसके बाद हमें विंडो ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें ये रेक्टेंगल शेप बनाना पड़ेगा. उसमें फिर वन टू और थ्री. तो वन टू थ्री फोर गैप हो गए ना, तो ये रेडी हो गई आपकी बस. इधर आपको लाइट ड्रॉ कर देनी है. देन विच वर्ड इज दिस? नेक्स्ट वर्ड जी यू एन गन. जी यू एन गन. रीड विथ मी एवरी वन. जी यू एन गन. जी यू एन गन ड्रॉ करेंगे इधर. फर्स्ट हमें क्या करना है बच्चों? फर्स्ट ऐसे रेक्टेंगल ऐसा ड्रॉ कर देंगे. ओके ये हो गया कंप्लीट. उसके बाद हम ऐसे कर्व शेप में ऐसे ड्रॉ करेंगे. ओके फिर ऐसे स्लिपिंग लाइन से ज्वाइन कर देंगे. फिर इधर छोटा सा वापस हमें एक रेक्टेंगल ऐसा हो जाए ऐसा नीचे ही लाइन हम ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम इधर से उसको जोड़ देंगे. ओके ये हो गया जॉइन. उसके बाद हम इसमें छोटा सा ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे स्टैंडिंग शेप में. इसके बाद ये हो गया. फिर ओके ये छोटा सा हो गया. ये क्या है? गन पिक्चर. जी यू एन गन. जी यू एन गन. ओके देन लास्ट वन टी यू बी टब. टब कैसे ड्रॉ करने वाले हैं? फर्स्ट ड्रॉ द स्लैंटिंग लाइन. उसके बाद हम स्लिपिंग लाइन ऐसे जॉइन कर देंगे. फिर ऊपर से हम ऐसे ओवल शेप में ड्रॉ करके इसमें हम वाटर दिखाएंगे. ओके विच पिक्चर इज दिस? टब. टी यू बी टब. टी यू बी टब. सो एवरीवन लुक एट दिस. ये आपका पिक्चर रेडी हो गया.
आपको खुद ड्रॉ करना है, ये वर्ड भी अपने आप लिखना सीख जाओ अभी, ओके। फिर आपको लर्न भी करना है, बार बार ये वीडियो देख करके आप लर्न करोगे ना बच्चा, ओके। थैंक यू।